खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस, अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है
देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और पलाश मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और पलाश मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है।
तो गाइज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गांव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंधराष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंधराष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस, अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो भाई चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो भाई इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया।
तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया है। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया है। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है
वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने।
और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक
अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुआलाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि
माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी, लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने।
तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइस चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन,
राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग,
जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो भाई चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो भाई इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया।
तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक
अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो भाई चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो भाई इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुआलाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि
माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुसंग के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुसंग अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुसंग के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने।
तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइस चलिए हम बात करते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन,
राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग,
जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गैस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गैस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया।
तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टर्न रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टर्न रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं।
तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुवालाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुवालाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती, और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुवालाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक
अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो भाई जब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो भाई चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो भाई अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो भाई इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिस टनकपुर हाजिर हो मूवी के बारे में। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इसको किसने प्रोड्यूस किया है, किसने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनोद कापरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले किया है विनोद कापरी ने और वरुण गौतम ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस इस मूवी में जो स्टोरी दी है वो दी है विनोद कापरी ने और अभिषेक शर्मा ने, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है क्रॉस वर्ल्ड फिल्म्स ने और विनय तिवारी ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अनु कपूर, ओम पुरी, रवि किशन, राहुल बग्गा और हर्षिता भट्ट। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है देवेन मुद्र सुवर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है सुष्मिता सेन ने और प्लास मुच्छल ने। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है फॉक्स स्टार इंडिया। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 154 मिनट, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुआलाल टनकपुर गाँव का मुखिया है और एक धनी लेकिन नपुंसक अंतर्राष्ट्रवादी है। उन्होंने बहुत छोटी माया से शादी की। वे एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अर्जुन एक गांव का युवक माया से मिलता है और उसका दिल जीत लेता है। पुलिस बल में नौकरी पाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपने जीवन भर की बचत छोड़ दी। सुआलाल को शक है कि माया इसे साबित नहीं कर सकती। वह इस बात से नाराज है कि उसकी पत्नी ने नपुंसक के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो गाइस अब देखिए सुआलाल क्या करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है नाच बसंती और दूसरा सॉन्ग है अंधेरा अंधेरा, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है और आखिरी सॉन्ग है वो है ससुरी के कोड़े लग गए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.4 की रेटिंग, जो कि मीडियम रेटिंग है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए।